टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर मृतका के शव को कब्र खुदवा कर बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हालांकि पुलिस मृतका के हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस की मौजूदगी में ये लोग डीएम के आदेश पर शाहीन की कब्र को खोद कर शव को निकाल रहे हैं। दरअसल शाहीन का निकाह 25 जनवरी 2019 को खुर्जा के गांव सरावा निवासी सलमान के साथ हुआ था। ये मेरे भाई की बेटी है। क्या मामला हुआ था इनके साथ? मामला ये हुआ कि सब इसकी 20 जनवरी की इसी 2019 में शादी की, रिलेशन इतने बढ़िया नहीं रहे। शादी के 2-3 महीने बाद ही इनमें अनबन झगड़े फसाद होने लगे। फिर हमने मुकदमा लिखा दिया, मुकदमा भी लिख गया। 4 महीने मुकदमे में चले गए, हमारी बच्ची प्रेगनेंट हो गई, सब 4-5 महीने की, 4-5 मंथ प्रेगनेंट। फिर उसके बाद इन्होंने ये हुआ कि वहाँ पर हम लोगों ने जो फैसला किया वहाँ हमारी गलती हो गई कि हमने सब लोगों की मान के लड़की को भेज दिया और ला के इन्होंने 15-16 दिन लड़की मार दी, इन्होंने ख़त्म कर दी, दफना दी। हम लोग आए, जब हम लोग यहाँ पहुँचे, कुछ लोग पहुँच गए, कुछ नहीं पहुँचे। हमारे लोगों ने कहा भी दफनाओ मत, हमारे आदमी आ रहे हैं, नहीं आने दिया। फिर हमारे साथ मारपीट की, हमने मुकदमा लिखाया जाके, उसमें एक मिलजिम को जेल भेज दिया गया। फिर हमने इसका पोस्टमार्टम के लिए अर्जी, ये 25 तारीख की घटना है सब। तो आज क्या हो रहा है? आज पोस्टमार्टम हो रहा है। हमने पोस्टमार्टम के लिए डीएम साहब को अर्जी दी थी, एप्लीकेशन दी थी, उस पर हमारी कार्रवाई हुई। प्रशासनिक तरीके से यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके बाद हम अपनी बेटी की मिट्टी को अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं। हम वहाँ ले जाएंगे, अपने वहाँ दफना लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हमारा कोई रिश्ता रहा नहीं, हम आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो हम अपना देखभाल करते रहेंगे, हमको भी जरा तसल्ली रहेगी। ये दिनांक 25/10/19 को एक मुकदमा खुर्जा नगर थाने में पंजीकृत हुआ था, 304B 498 504 506 और 3/4 DP एक्ट का। ये एक शाहीन नाम की महिला थी, वाइफ ऑफ सलमान सरावा दादूपुर की थी, जो किन्हीं परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई और उसको सुपुर्द-ए- खाक कर दिया गया था। लेकिन उसके मायके वालों ने ये तहरीर दी कि मेरी बेटी को मार के दफना दिया गया है। अतः जिलाधिकारी महोदय की अनुमति द्वारा उसके जो कब्र से बॉडी को निकलवा के पोस्टमार्टम हेतु जो है भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा पूर्व में पंजीकृत हो चुका है। आरोप है कि निकाह के बाद पति पत्नी में विवाद रहने लगा, इसके बाद शाहीन अपने मायके चली गई। मृतका के मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग समझौता वार्ता कर शाहीन को ससुराल ले आए और एक सप्ताह पूर्व 25 अक्टूबर को शाहीन की हत्या कर शव सुपुर्द खाक कर दिया। इसके बाद मायके पक्ष की तरफ से जिलाधिकारी से शव निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए गुहार लगाई थी। डीएम के आदेश पर अब पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि पुलिस इसी संबंध में मृतका के पति सलमान को पहले ही जेल भेज चुकी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में खुलासा हो सकेगा। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।